नमस्कार, मैं प्रफुल्ल झा और आप देख रहे हैं प्रत्येक न्यूज लाइव। पिछले दो दिनों से गुलाब बाग में फर्जी दुकान जो है आवंटन मामले में एक नया मोड़ आ गया है। अखबारों की सुर्खियों में रहा राहुल नाम का जो शख्स है, आज जब हम लोग तहकीकात कर रहे थे तो उसका बयान सामने आया। बयान चौंकाने वाले थे, इसमें कई सफेदपोश के भी नाम है, कई जो पत्रकार हैं उसका नाम इस लड़के जो लड़का है ये राहुल नाम का वो लिया है। उसने यहाँ तक कहा है कि मैं तो एक सर मोहरा हूँ, मुझे मेरे माध्यम से क्लाइंट को लाया गया है, लाने के बाद उससे किस तरह पैसे की उगाही की गई है आप इस उनके बयान में आप सुनेंगे। इसमें बहुत सारे चेहरे हैं, प्रशासन को कहीं ना कहीं लगता है कि ये जो कांड हुआ है, जो घटना हुआ है उसमें उच्च स्तरीय जांच करनी चाहिए, और इसमें जो फर्जीवाड़ा हुआ है कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन के नाम पर भी एक धब्बा है कि किस तरह जो लोग हैं वो ठगी कर रहे हैं और प्रशासन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि इस वीडियो को देखने के बाद और जो व्हाट्सएप जो चैट हुआ है, जो बात हुआ है, उसमें कई ऐसे नामी पत्रकार हैं उसका नाम सामने आ चुका है। आप इस पहले ऑडियो को देखिए, वीडियो देखिए, क्या ये जो पीड़ित लड़का है वो दुकान आवंटन फर्जी मामले में बयान दिया है और किस तरह जो लोग हैं वो गुमराह हुए हैं और प्रशासन ने भी सदर SDO ने भी जांच के लिए लिखा है इस पूरे मामले को। इस वीडियो को आप पहले इसका बयान को देखिए। गुलाबबाग आवंटन मामले में टोटल कहानी बताइए जो अभी सामने छन के आ रही है। नमस्कार, मैं राहुल कुमार पिता अशोक केसरी। गुलाबबाग आवंटन में जिस हिसाब से मीडिया, अखबार या सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिल रही है और जिस हिसाब से मुझे मास्टरमाइंड बताकर ये अखबार वाले, प्रेस वाले छाप रहे हैं, ये सरासर गलत है। मैं इस चीज का मास्टरमाइंड नहीं हूं और मेरे ऊपर जो भी आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद हैं और हमारी इस आरोप से या इस भय से हमारे घर के लोग भयभीत हैं और आत्महत्या पे उतारू हो गए हैं। हमारे घर में पिछले 5 दिन से चूल्हा नहीं जला है, जब से ये मामला प्रकाश में आया है कि राहुल तुमने ऐसा किया। कल मकर संक्रांति का त्योहार था, हमारे घर में अभी तक चूल्हा नहीं जला है। आप पत्रकार बंधु हैं, आप जाके देख लें। इस मामले का मास्टरमाइंड आप ही को पत्रकार में से कुछ अपने को बड़े पत्रकार या बड़े बैनर के पत्रकार कहने वाले लोग, पहला नाम मनोज मिश्रा और राजेश झा का है, उसके खिलाफ मेरे पास पुख्ता सबूत है। मनोज मिश्रा पिताजी का नाम? पिताजी का नाम दिनेश मिश्रा। रहने वाले कठियाल मोड़ से आगे बेलोरी के आसपास है। अच्छा, जो अपने को बड़े पत्रकार, मैं सिर्फ एक मोड़, मैं इस मामले में खुद ठगी का शिकार हुआ हूँ और मैं छोटा मोटा व्यवसाय करके जीवन यापन करता हूँ और मैंने खुद अपना रुपया इसमें गवाया है। मैंने भी अपना रुपया उसे दिया है और उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे ऐसे दुकान है, 10-20 हजार रुपया एक दुकान पे तुमको भी बच जाएगा। और दूसरे पत्रकार कौन है? राजेश झा। अच्छा, वो कहाँ से है? वो पूर्णिया के नवरत्न आतक है, फिर उसके उसके घर पिताजी का नाम मालूम नहीं है। तो इन लोगों के पास मैंने कुछ लोगों के पास चर्चा किया था, जो लोग भी आज मेरे साथ आ रहे हैं वो भी बोल रहे हैं कि मैंने डायरेक्ट मनोज जी से ही बात किया था, तुम लेके आए थे उनको। इस मामले में मेरा कहीं भी हाथ नहीं है, मैं खुद एक मोहरा हूँ और मैं खुद ठगी का शिकार हो गया हूँ। और आप लोग से अनुरोध है कि इस बदनामी के डर से मेरे परिवार में ऐसा स्थिति हो गया है, मरने मारने पे सब उतारू हो गया है। लोग आज मैं कितना पैसा का ये हुआ है, इसमें कारोबार हुआ है? मनोज मिश्रा के पास कुल मिला के 68 लाख रुपया। मनोज मिश्रा ने 68 लाख रुपया लिया है? जी, मनोज मिश्रा ने 68 लाख रुपया लिया है बहुत सारे लोगों से। हाँ। और राजेश झा ने 23 लाख रुपया दुकान के नाम पे? जी, दुकान और JCI के गोदाम के नाम पे। अच्छा, और इसमें दुकान कहाँ से उपलब्ध करवाते वो? दुकान कहाँ से उपलब्ध करवाते? उन्होंने बोला कि हमारा डायरेक्ट SDO से सेटिंग है और डायरेक्ट मंत्री से मेरा सेटिंग है, हम डायरेक्ट मंत्री से करवाएंगे। और फिर मैंने बीच में जब लोग मुझे परेशान करने लगे तो उन्हें पूछा कि बोला विधानसभा का सत्र खत्म होगा, मंत्रिमंडल गठन होगा तो हो जाएगा, तुम रकम का इंतजाम कर लो। बजाबता मेरे पास सबूत, ऑडियो रिकॉर्डिंग, व्हाट्सएप चैट सब कुछ है। SDO का जो एक डॉक्यूमेंट सामने आ रहा है, SDO का डॉक्यूमेंट सामने आ रहा है, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं खुद ठगी का शिकार हूँ, लेकिन मैं आज जितना बदनाम हो रहा हूँ उस बदनामी के कारण मुझे लगता है कि मैं अपने आप को कुछ कर लूं। आपने कितना पैसा दिया था अपने दुकान के लिए?
मैंने दिया था 3.5 लाख रुपया 3 किस्त में। किनको? मनोज मिश्रा को। अच्छा अच्छा, और राजेश जाट ने दूसरे पार्टी से रुपया उठाया था जी, जेसीआई के गोदाम के नाम पर। अच्छा, जेसीआई दुकान जो वहाँ गुलाबबाग में है जी। अच्छा, राजेश झा कितने लोगों से पैसा लिया होंगे? राजेश झा ने 3 लोगों से पैसा लिया। अच्छा, ये कितने दिनों से चल रहा है ये सारा चीज? ये काफी लंबा प्रकरण हो गया, करीब 1.5 साल हो गया। जब लोगों का दबाव मेरे पे आने लगा जी, और जब बात खुली तब लोग मेरे घर पे आने लगे कि मैंने तुम मिलवाए थे, तुम चलो, मनोज मिश्रा ने तो पल्ला झाड़ दिया जी। और जब लोग वहां पे विवाद हमारे साथ जबरदस्ती करने लगे तो मैं आप लोग के जब अखबार में जब अखबार वालों को दे दिया हमें बदनाम करने के लिए, तब हम आप लोगों के शरण में आए। आप लोग हमको कैसे इसमें समस्या आपस मैंने जो बात बोल रहे हैं फिर सरकार के सामने गवाह बनिएगा ना, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा धांधली है। हाँ, सरकार के सामने गवाह बनेंगे, हम सरकार के सामने गवाह बनेंगे। और अगर इस मैटर में मेरा कहीं हाथ नहीं है, मैं खुद ठगी का शिकार हुआ हूँ, और इस बदनामी के डर से मेरे घर की स्थिति आप लोग चल के देख लीजिए कि मेरे घर की क्या स्थिति है। बयान आपने सुन लिया होगा और आपको अब तक लग गया होगा कि जो ये लड़का है जिसको मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, इसने जिन लोगों का नाम लिया है वो किस तरह नाम सामने आया है। अब सवाल ये उठता है कि प्रशासन जो जांच करेगी और फर्जीवाड़े जो गुलाब बाग में जो लोगों को ठगी किया गया है इस पूरे मामले में, उसमें जो संलिप्तता लोगों की है उस पर क्या कार्रवाई होती है। आपको हम जाते जाते एक ऑडियो पे छोड़ते हुए जा रहे हैं कि किस तरह एक पत्रकार एक फर्जी अधिकारी से बात कर रहा है, और उसका ऑडियो वो भी सामने आया है, मेरे पास में है, आप उस ऑडियो को भी सुनिए और आपको पूरी कहानी स्पष्टता के तौर पे समझ में आ जाएगा कि इस पूरे गेम का मास्टर माइंड कौन है। प्रत्येक न्यूज के लिए तब तक के लिए धन्यवाद। आप हेलो सर, क्या हाल है मिश्रा जी? जी जी बढ़िया सर, सब ठीक ठाक हैं? जी जी। अच्छा, कहना ये था कि इधर तो सब चीज हो ही गया है जी, और सब चीज कंप्लीट रूप से हम लोग वेरीफाई भी कर लिए हैं जी। उनको भेजने की जरूरत है तो उसमें कम से कम 2.5 पर इच जो है उसको देख लीजिएगा तो कर दीजिएगा तो ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि आदेशित तो मान के चलिए वहीं से न करना, हम लोग तो सबमिट कर देंगे जी जी जी, है ना, और वहीं से सब चीज करना है तो उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, करा दीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा जी जी, है ना। सर एक एक बात कहना था सर, क्योंकि हम जो जिसको भी बोले हैं ना सर, तो ये बोले हैं कि भाई आपको हो जाएगा तब आपसे हम लेंगे। नहीं नहीं, वो देखिए वो तो ठीक है, हो जाएगा वो लेना, वो तो एक प्रोसेस है उसके तहत करना ही होगा। कितना दिन से आप काम कर रहे हैं हमारे? आपको मालूम ही है जी, जी, जी। उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है, जब हम हैं तो आपको परेशान नहीं होना है ना जी, जी, जी। जो भी काम होगा वो जेन्युइन काम होगा और किसी तरह का ये कहीं पर किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो जो है उसको देख करके 2.5 पर ही जो है करवा दीजिएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि देखिए भेजना होगा तभी तो वहां से ये करेगा, गाइडलाइनिंग जारी होगा तभी हम लोग ना कुछ कर पाएंगे जी जी, जब तक नहीं भेजेंगे तो कैसे क्या होगा। बिल्कुल, और खाली खाली भेजने से तो आपको पता ही है कि फिर सिस्टम हवा में उड़ जाता है जी, और आपके लोग हैं तो खास तौर पे हमको ध्यान देने की जरूरत है ना जी। ठीक है सर, हम ठीक है, ठीक है। आप देखते रहिए इस खबर पे, जो भी अपडेट होगी वो उससे हम आपको रूबरू कराएंगे।